स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल चंबा के बनीखेत स्थित बट आईटीआई में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आईटीआई का भी दौरा किया और आईटीआई में चल रहे कोर्सों पर आईटीआई के प्रबंधक परवेज अली भट्ट से चर्चा भी की। हाँ, जो लगभग 2 दिन का दौरा समाप्त हुआ है, परसों आ गए थे और जगहों की भी देखा, जिसमें हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज था, वहाँ का हॉस्पिटल भी था और इसी प्रकार से छोटे छोटे जितने भी स्वास्थ्य संस्थान थे। इसी कड़ी में हमने कल चंबा के मेडिकल कॉलेज का जो निर्माणाधीन है वो देखा और साथ ही ये भी निश्चित किया कि अब इसका कार्य, जो निर्माण कार्य है, वो लगभग अगले 1 साल में पूरा हो जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। बहुत सी कमियां हैं जो स्वास्थ्य केंद्र के लिए, एक मैं समझता हूँ स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं और प्रक्रिया आरंभ ऐसे करेंगे कि कम जितनी हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स की कमी है, जितने हमारी विशेषज्ञों की और डॉक्टरों की कमी है, उन सबको प्रारूप तैयार कर दिया गया है और कमियों को एड्रेस किया जाएगा ताकि स्वास्थ्य संस्थान सशक्त हों। और ख़ासकर ऐसे इलाके में जैसे चंबा, ये दूर का इलाका है, यहाँ की समस्याएँ अपने प्रकार की है, कम्युनिकेशन की है। अगर यहाँ से पेशेंट ले भी जाना हो तो चाहे PGI हो, चाहे कोई और स्थान हो, एम्स तक, तो हमारे पास वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका सामना करना। हमने एक नीतिगत सॉर्ट ऑफ फैसला भी लिया है और ये हम योजनाबद्ध तरीके से कर भी रहे हैं कि जहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होगा उसके ऊपर हम एक हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा जरूर प्रदान करें। जैसे ये हॉस्पिटल होने जा रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल होने जा रहा है, नो डाउट। मेरा अपना मानना तो यह है कि किसी भी सिविल हॉस्पिटल पर ये सुविधा होनी चाहिए, बिकॉज कहीं पर भी पेशेंट इमरजेंसी मूव के लिए तैयार हो सकता है। आजकल के संदर्भ में जब पता नहीं लगता कि किस वक्त क्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और ये तो इलाका अधोसंरचना से भरने वाला है, यहाँ से वो होगी आपकी नेशनल हाईवे जाएगा। जैसे मैं डमाशा से डिस्कस कर रहा था जब हम इनके भातरी में गए, ये नेशनल हाईवे पे ही है और राजा वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना था। परंतु मुझे दुख हुआ जब देखा कि इसमें तो हमारे पास स्टाफ की बड़ी भारी कमी है, तो इसको तुम्हारा पहला ध्यान होगा कि हम किस प्रकार से, क्योंकि इसमें बहुत से ऑलमोस्ट 20,000 लोग आधारित हैं, तो ऐसी जगह में भी हमें अपनी सुविधाओं को, खासकर जैसे यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर हो, इमरजेंसी इवैक्यूएशन सेंटर हो, मेडिकल इमरजेंसी देने के लिए, जैसे बड़े विकसित देशों में होता है, ताकि अब धीरे धीरे हमें स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करना है और स्वास्थ्य सेवाओं को, खासकर ऐसे दूर के इलाकों में जहाँ कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो, दूरी हो, और यहाँ पे लोगों के जाने के लिए इतने साधन नहीं है कि वो PGI तक पहुँच जाएंगे या पठानकोट भी पहुँच जाएंगे, और अगर जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम इनमें देख रहे हैं और इनमें हर चीज़ में हम सुधार चाहते हैं, अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन को करके। कुछ मैं जो स्वयं भी गया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास, मनसुख मांडविया जी के पास, मैंने ये चीज़ें उनके सामने भी प्रस्तावित की और रखा अपना पक्ष के हमें क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र में। हमारी मेन जरूरत यह है कि जो जैसे जगह हमारा डलहौजी ले लो, धर्मशाला ले लो, या नाहन ले लो, या शिमला ले लो, इन जगहों पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, कम करने के लिए हमें बाहर का जो पेरीफेरी का ढांचागत सुधार है वो करना होगा। हमारे उन जगहों के लिए मैंने ये उनसे प्रस्ताव किया था कि अगर हमारे पास मोबाइल वैन, जिससे हम चलो 15 ही दिन में से ही विशेषज्ञों को भेज दें, चाहे वो गायने हो, चाहे सर्जन हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों के, वो हम लोगों को उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ पर अगर अच्छी प्रकार की सुविधाएँ होंगी तो हम जो मेन हॉस्पिटल होंगे, सिविल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल या रीजनल हॉस्पिटल, इन पर प्रेशर कम होगा। ये भी एक करना बहुत, इस तरफ भी काम कर रहे हैं।
ताकि हमारी यहाँ लोगों को सुविधाएँ ठीक तरीके से मिले और वितरण जिम्मेवारी हो। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिलती है, इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सच्ची बात आपको बताएं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लोग जो चलाने वाले हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनकी कमी है। तो हमने एक बीच में सोचा है, सबने जो चार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया हमने कि हम 6-6 के बैच डॉक्टर्स के GDM जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर उन्हीं के तैयार करेंगे और उनको थोड़ी ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जैसे रिफ्रेश होता है देंगे, ताकि जब तक हमारे पास रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं आते तब तक वही आपके अल्ट्रासाउंड मशीन को चला लें और जो लोगों को सुविधा देने प्रदान की जाए। इस प्रकार की चीज़ें भी बीच बीच में करते रहना पड़ता है। और ठीक है, आपने गांव के लेवल पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है, इसलिए इस चीज़ को ऐसे एड्रेस किया जा रहा है। हमारा जिला मुख्यालय भी सर इस चीज़ से जूझ रहा है। सॉरी, कम हो गया। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।